आज हम बनाएंगे रसीली और कुरकुरी जलेबियाँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनती है, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने यहाँ 120 ग्राम लिया है मैदा। 120 ग्राम मैदे में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ऑयल, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, 1 1/2 डेढ़ चम्मच डालेंगे हम इसमें दही। इसमें हमें गर्म पानी डालना है और एक पकोड़े जैसा गाढ़ा घोल बनाना है, लम्स फ्री। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, गर्म पानी डाल के हमें पकोड़े जैसा गाढ़ा घोल बनाना है। ये देखिए लम्स फ्री बैटर हमारा बन गया है, गाढ़ा घोल बना लिया है हमने। 10 से 12 घंटे के लिए हमें इसे गर्म स्थान पर रखना है अच्छे से फॉर्मेट होने के लिए। इसे हम ढक कर गर्म स्थान पर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 10 से 12 घंटे हो गए हैं। ये देखिए हल्की हल्की इसमें से खट्टी खुशबू भी आ रही है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये फॉर्मेट हो गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले 1 कप लेंगे शुगर, 1/2 कप लेंगे पानी। चीनी को हमें मेल्ट करना है और एक ही उबाल आना है हमें चाशनी में। अगर बैटर हम बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मिला सकते हैं। ये देखिए अभी इसमें बिल्कुल मीडियम है, ये इसमें हल्की हल्की खुशबू आ रही है खट्टे की, इतना ही चाहिए हमें। अब मैं यहाँ ले रही हूँ पाइपिंग बैग। मैंने यहाँ पाइपिंग बैग ली है, आप कोई कपड़ा ले लीजिए उससे भी बना सकते हैं, जलेबी बनाने की बोतल आती है आप उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। बैटर को हम पाइपिंग बैग में डालेंगे। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे नींबू का रस, 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे हम येलो फूड कलर। चाशनी हमारी बनकर रेडी है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। एक समतल तले की हम कढ़ाई लेंगे, इसमें हम घी को गर्म कर लेंगे। ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, घी को हम चेक कर लेते हैं एक बूंद डाल के। ये देखिए अच्छे से ऊपर आ रहा है। अब हम जलेबियाँ बनाएंगे, मोटी पतली जो साइज आपको पसंद है आप बना लीजिए। ये देखिए जलेबियाँ अपने आप से फूल कर ऊपर आ गई है, आप देख सकते हैं, और देखिए फूली भी कितनी अच्छी है। अगर लगता है आपको बैटर में अच्छे से फॉर्मेट नहीं हुआ है, या तो आप थोड़ी देर और रख लीजिए या फिर उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए जलेबी हमारी फ्राई हो गई है, अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में हमें तब तक रखना है जब तक कि हम दूसरी फ्राई नहीं कर लेते। ये देखिए कितनी कुरकुरी और कितनी रसीली जलेबियाँ बनी है, ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।